जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे लंबी दूरी की वंदे भारत का संचालन करने जा रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये दो वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे किस रूट पर करने वाली है। साथ में इस रूट पर भारतीय रेलवे तेजस राजधानी की भी सौगात दी है, जो कि आपको मैं बताऊंगा कि इसका संचालन भारतीय रेलवे कहां से कहां के लिए करने वाली है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने इसकी फेयर ओवर की जानकारी अभी जारी नहीं की थी। लेकिन फिलहाल भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन के फुल डिटेल जानकारी शेयर कर दी है, जिसमें मैं आपको इस वीडियो के अंदर फेयर बताने वाला हूं, साथ में इस ट्रेन का टाइमिंग बताने वाला हूं, कितने दिनों तक इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। और खास तौर पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ये जो वंदे भारत का संचालन पटना और दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे कर रही है, भारतीय रेलवे दीपावली के बाद बिहार के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाली है, जो कि मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूं कि कौन सी सौगात भारतीय रेलवे इस रूट पर देने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि 66 यानी कि 66 रूटों पर ऑलरेडी भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे रूट है जिस पर भारतीय रेलवे ने 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन किया, जो कि कुछ रूटों पर इसका संचालन भारतीय रेलवे को फायदा भी दे रही है। तो कुछ ऐसे रूट है जिन रूट पर वंदे भारत के संचालन से भारतीय रेलवे को पूरी तरह से घाटा भी लग रही है। तो भारतीय रेलवे इस वंदे भारत जो 20 कोच वाली जो वंदे भारत है, इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे आगे चलकर फेस्टिवल सीजन खत्म होने के बाद इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे किस रूट पर करने वाली है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे बिहार के लिए दो प्रीमियम ट्रेनों की सौगात दी है। एक तो वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे पटना और दिल्ली के बीच करने वाली है, साथ में तेजस एक्सप्रेस का भी सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, जो कि पटना और दिल्ली के बीच आप इस ट्रेन में भी सफर कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस ट्रेन का फेयर भारतीय रेलवे कितना लेने वाली है, और इस समय जो इस ट्रेन का कंडीशन यानी कि बुकिंग कंडीशन क्या है, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि बिहार में जब भी वंदे भारत की लॉन्चिंग होती है तो कुछ रूट से लोग कमेंट करते हैं कि भारतीय रेलवे बेकार इस रूट पर वंदे भारत का संचालन कर रही है, क्योंकि इस रूट पर वंदे भारत का तो पैसेंजर मिलेंगे नहीं और ट्रेन खाली आएगी और जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार जो वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे इस रूट पर चल रही है उसका क्या कंडीशन बुकिंग का है, और आगे चलकर भारतीय रेलवे इस पर क्या फैसला लेने वाली। दोस्तों, दीपावली और छठ पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है, जो कि रेलवे ने नई दिल्ली और लखनऊ से पटना और छपरा के लिए फेस्टिवल स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। यात्रियों की भारी डिमांड और ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के चलते रेलवे ने इस रूट पर वंदे भारत और तेजस ट्रेन चलाने का ऐलान किया। दीपावली और छठ पर बिहार जाने वाले यात्रियों को भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। रेलवे ने नई दिल्ली और लखनऊ और छपरा के लिए फेस्टिवल स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है, जो कि यात्रियों की भारी डिमांड को देखते हुए भारतीय रेलवे ने फैसले लिए है। इन ट्रेनों में प्रति व्यक्ति किराया 4000 रुपए से ज्यादा वजूदन की बात करें तो ये पूरी तरह से वेटिंग लिस्ट में चली गई है। नई दिल्ली से पटना जंक्शन जाने वाली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 02252, जो कि 30 अक्टूबर 2024 से 6 नवंबर 2024 के बीच इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 8:25 पर दिल्ली से निकलकर शाम 8 बजे पटना पहुंचेगी। यह ट्रेन हफ्ते में 3 दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को भारतीय रेलवे चलाने वाली है। यह ट्रेन दिल्ली से सुबह 8:25 पर खुलेगी और दोपहर 1:02 पर कानपुर सेंट्रल, 3:05 पर प्रयागराज और 4:50 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, 6:15 पर बक्सर और 7:08 पर आरा रुकते हुए ये दिन में 8 बजे आपको ले जाकर पटना छोड़ देगी। दिल्ली से पटना का चेयर कार यानी कि सीसी चेयर कार का किराया 2575 रुपए है, जबकि इकोनॉमिक क्लास का किराया 4655 रुपए रखा गया है। 30 अक्टूबर 1 नवंबर और 3 नवंबर की सभी सीटें इसमें फुल बताई जा रही है। केवल
6 नवंबर के लिए अभी कुछ सीटें इसमें आपको खाली देखने को मिल जाएंगी। जबकि पटना जंक्शन से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल 02251 जो कि 31 अक्टूबर 2024 से 7 नवंबर 2024 के चलाई जाएगी। ये वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 7:30 पर पटना जंक्शन से निकलकर शाम 7 बजे दिल्ली आपको ले जाकर पहुंचाएगी। ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन गुरुवार शनिवार और सोमवार को चलाई जाएगी। ये ट्रेन पटना से सुबह 7:30 पर चलेगी जो सुबह 8:05 पर आरा, सुबह 8:47 पर बक्सर, सुबह 10:20 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, दोपहर 12:10 पर प्रयागराज और दोपहर 2:18 पर कानपुर सेंट्रल रुकते हुए उसी दिन आपको शाम 7 बजे नई दिल्ली स्टेशन ले जाकर छोड़ देगी। पटना से दिल्ली का चेयर कार का किराया प्रति व्यक्ति 2355 रुपए है, वहीं इकोनॉमिक क्लास यानी कि एग्जीक्यूटिव क्लास का 4410 रुपए। ट्रेन में 31 अक्टूबर, 2 नवंबर और 4 नवंबर और 7 नवंबर के लिए चेयर कार श्रेणी में कुछ सीटें खाली है, जबकि इकोनॉमिक क्लास में आपको कुछ सीटें इसमें भी आपको खाली मिल जाएंगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से छपरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 02217 जो 25 अक्टूबर 2024 से 8 नवंबर 2024 तक चलाई जाएगी। ये वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर 2:15 पर लखनऊ से निकलकर रात 9:30 पर छपरा पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन मंगलवार को छोड़कर चलाई जाएगी। ये ट्रेन लखनऊ से दोपहर 2:15 पर चलकर सुल्तानपुर से शाम 4:07 और वाराणसी शाम 6:25, गाजीपुर सिटी से 7:35, बरेली से रात 8:25, सुरेमनपुर से रात 8:57 पर छूटकर छपरा रात 9:30 पर पहुंचाएगी। इस ट्रेन में लखनऊ छपरा से छपरा का चेयर कार श्रेणी का प्रति व्यक्ति किराया 1780 रुपए है, जबकि इकोनॉमी क्लास का किराया 3135 रुपए रखा गया है। 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर में दोनों श्रेणियों में आपको कुछ सीटें इसमें खाली बताई जा रही, जबकि छपरा से लखनऊ जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 02269 जो कि 25 अक्टूबर 2024 से 8 नवंबर 2024 के बीच चलाई जाएगी। ये वंदे भारत एक्सप्रेस रात 11 बजे छपरा से निकलकर सुबह 6:30 पर लखनऊ पहुंचेगी। इस ट्रेन को हफ्ते में 6 दिन चलाया जाएगा, मंगलवार को छोड़कर बाकी दिन इसका परिचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। इस गाड़ी में वंदे भारत वातानुकूलित कुर्सी एवं श्रेणी के 8 कोच लगाए जाएंगे। छपरा रूट के चलने वाली यह पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। ये ट्रेन छपरा से 11 बजे चलकर सुरेमनपुर से 11:37 पर पहुंचेगी। दूसरे दिन रात 12 बजे बलिया पहुंचेगी, 1 बजे गाजीपुर पहुंचेगी, 2:35 पर वाराणसी पहुंचेगी, 4:50 पर सुल्तानपुर पहुंचेगी, लखनऊ सुबह 6 बजे पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन छपरा से लखनऊ का चेयर कार का किराया अगर बताएं तो 1285 रुपए है, जबकि इकोनॉमी क्लास का किराया 2545 रुपए रखा गया है। 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर में दोनों श्रेणियों में आपको कई सीटें खाली मिल जाएंगी। उसी तरह भारतीय रेलवे इस रूट पर पटना और दिल्ली के बीच तेजस की सौगात भी भारतीय रेलवे ने दी है। तो इसका क्या ट्रेन नंबर और क्या फेयर भारतीय रेलवे लेने वाली है और इसका क्या टाइम शेड्यूल भारतीय रेलवे ने जारी की है, मैं आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली से पटना जंक्शन के लिए तेजस राजधानी जिसका ट्रेन नंबर है 02248 जो कि 29 अक्टूबर 2024 से 5 नवंबर 2024 के बीच चलाई जाएगी। यह ट्रेन सुबह 8:25 पर दिल्ली से निकलकर शाम 8:30 बजे पटना जंक्शन आपको ले जाकर पहुंचाएगी। ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को चलाई जाएगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से 29, 31 अक्टूबर, 2 और 5 नवंबर को चलेगी। ये ट्रेन सुबह 8:25 पर दिल्ली से खुलेगी और दोपहर 1 बजे कानपुर सेंट्रल, दोपहर 3 बजे प्रयागराज, शाम 5 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, 6:35 पर बक्सर, 7:28 पर आरा, उसी दिन आपको 8:30 पर पटना जंक्शन ले जाकर छोड़ देगी। इस ट्रेन में दिल्ली से पटना का चेयर कार का किराया हो जाएगा 2275 रुपए, जबकि इकोनॉमी क्लास का किराया हो जाएगा 4420 रुपए। 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 2 नवंबर और 5 नवंबर को लिए इसमें सीट फुल दिखाई दे रही। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको फुल डिटेल जानकारी दी है जो कि भारतीय रेलवे फेस्टिवल स्पेशल में वंदे भारत का संचालन कर रही है, साथ में तेजस राजधानी का संचालन कर रही है। तो इसके विषय में तो मैंने एक दो नहीं बल्कि कई वीडियो बनाए थे जो कि पहले का था, जिसमें हम आपको टाइम टेबल और फेयर की जानकारी पूरी नहीं दी थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें मैंने आपको
पूरे ट्रेन जो भी फेस्टिवल स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे वंदे भारत और तेजस चला रही है उसके बारे में मैंने आपको फुल डिटेल जानकारी दे दी है कि क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं, कहां कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज भारतीय रेलवे ने दी है और साथ में इसमें आपको कितने फेयर देने पर आप इस ट्रेन में सफर पूरा कर पाएंगे। इस वंदे भारत का संचालन करके और भी इसकी रेटिंग गिराने वाली है क्योंकि इसमें पैसेंजर नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली से बिहार आने के लिए जो वंदे भारत का संचालन कर रही भारतीय रेलवे कर रही है तो उसमें जो सीट फुल और ओवर बुकिंग दिखाई दे रहा है तो उसका तो मतलब ये है कि लोग अपने घर आ रहे हैं, इसलिए वंदे भारत पूरी अपनी कैपेसिटी के साथ इस रूट पर चल रही है। पटना से जो दिल्ली के लिए वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें भी लमसम पूरा ट्रेन अपने पूरी कैपेसिटी के साथ चलने के लिए तैयार हो रही है, इसमें भी पूरी बुकिंग इधर से भी पैक हो रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि बिहार के लिए वंदे भारत की आवश्यकता नहीं है, बिहार में ऐसी बात नहीं है कि लोग वंदे भारत में सफर करना नहीं चाहते हैं। पिछले साल भी वंदे भारत का संचालन किया था, साथ में पिछले साल की भांति भारतीय रेलवे ने इस साल भी इस रूट पर वंदे भारत का संचालन किया है और ये पूरी कैपेसिटी के साथ चल रही है। तो आने वाले दिनों में आपको इस रूट पर वंदे भारत का परमानेंट संचालन के लिए भारतीय रेलवे तैयारी कर रही है। जो 20 कोच वाली जो वंदे भारत ट्रेन है उसको भारतीय रेलवे पटना और दिल्ली के लिए सेटलमेंट कर रही है और जल्द ही आपको फेस्टिवल सीजन खत्म होते ही आपको इस रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग की तैयारी भारतीय रेलवे कर रही है, जिस पर आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे जारी करेगी। फिलहाल भारतीय रेलवे इस पर कोई ऑफिशियली जानकारी जारी नहीं की है, लेकिन इस रूट पर आपको बहुत जल्द 20 कोच वाली वंदे भारत पटना और दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है। पैसेंजर कैपेसिटी को देखते हुए इस रूट पर अगर भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन कर देती है तो इस रूट पर अच्छी खासी कमाई भी होगी और साथ में लोगों को एक प्रीमियम ट्रेन में सफर करने का मौका बिहार और दिल्ली के बीच लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट पर वंदे भारत का संचालन कर रही है और इसका जो फेयर ले रही है, इसके फेयर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इस रूट पर भारतीय रेलवे 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन अगर परमानेंट के लिए कर देती है तो इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस पर जो भी नोटिफिकेशन भारतीय रेलवे द्वारा आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।